आदमी के चले जाने के बाद अंजलि और निखिल उस टूटे हुए महल के अंदर जाते हैं। महल बरसों पुराना है और वहां एक अजीब तरह की बू आ रही है, जैसे बरसों से वहां कोई चीज सड़ रही हो। जितनी महल के बाहर रोशनी थी उतना ही अंदर घना अंधेरा था। अंजलि और निखिल एक दूसरे का हाथ थाम महल के अंदर जाते हैं और निखिल अपने कांपती आवाज में कहता है, हे, आर यू देयर? हम आ गए हैं। जवाब न मिलने पर निखिल अंजलि को कोशिश करने को बोलता है, सुनिए, मैं अंजलि, आपने बुलाया था, हम दोनों आ गए हैं, आप कहाँ पर हैं? अचानक से सन्नाटे को चीर जाने वाली आवाज उस महल में गूंजने लगती है। वो एक औरत की आवाज है। तुम्हारे सामने जो सीढ़ियां हैं, उससे ऊपर आ जाओ। दाईं तरफ एक बड़ा सा दरवाजा दिखेगा, बिना पीछे मुड़े उसके अंदर चली आना। अंजलि और निखिल दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। अंधेरा होने के कारण दोनों को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंजलि के पैरों के नीचे कुछ भारी चीज आ जाती है और वो रुक जाती है। निखिल, एक मिनट, मेरे पैरों के नीचे कुछ फंस गया है, रुको, पहले इसको निकाल देती हूँ। अंजलि जैसे ही नीचे झुकती है उसका दिल बैठ जाता है। वो जोर से चीखने लगती है, निखिल, निखिल! अंजलि के पैरों के नीचे 25 से 30 साल के लड़के का सर पड़ा हुआ था। देखिए ये क्या मजाक है, कौन हो तुम, सामने आओ। निखिल चलो यहाँ से, प्लीज, मुझे डर लग रहा है, बहुत बहुत डर लग रहा है। निखिल और अंजलि उस कमरे से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वो दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। तुम अगर आज चली जाती हो तो कभी देव की जिंदगी का राज नहीं जान पाओगी। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे देव को कुछ नहीं होना चाहिए। आप कौन है, प्लीज सामने आइए। तभी जोर से दो लाशें ऊपर सीलिंग से नीचे गिरती हैं। अंजलि और निखिल डर से पीछे हो जाते हैं। उसे एक लाश का सर कटा हुआ है, वो धड़ वही है जो अंजलि के पैरों के तले आ गया था, और दूसरी लाश एक लड़की की है जिसकी उम्र भी 25 से 30 साल है। जोरों से हवा चलने लगती है, कमरे के दूसरे कोने में हवा से दो शरीर बनने लगते हैं। आप दोनों, तो फिर ये दोनों लाशें? हम दोनों मर चुके हैं, पर हमारी आत्मा आज भी भटक रही है। कौन है आप? मेरा नाम शमा और इसका भास्कर। हम दोनों रत्नागिरी के राजा देवराज के महल में रहते थे, जहाँ आज तुम्हारा दोस्त देव रह रहा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और शायद इसी की हमें सजा मिली। देवराज, वो उस महल के राजा का नाम था ना? बहुत सुना है उसके बारे में, कितना निर्दयी था वो। निखिल की बात भास्कर को अच्छी नहीं लगती और तेज आवाज में कहता है, नहीं, गलत सुना है तुमने, देवराज तो बहुत बहादुर और नरम दिल राजा था, बस उस एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। कौन सा हादसा? क्या हुआ था उसे? देवराज की पत्नी ने उसे छत से फेंक दिया था। ये सुन निखिल और अंजलि अपनी सुध बुध खो देते हैं। पर ये सच नहीं, ऐसा देवराज को लगता है कोई माँ अपने बेटे को कत्ल क्यों करेगी। अगर ये सच नहीं तो क्या सच है? अभय को छत से वृंदा ने फेंका था। देवराज इतने बरसों तक एक झूठ को सच मानते रहे। उस नफरत ने देवराज को पूरी तरह से बदल दिया। आप दोनों को ये बात कैसे पता कि छत पर उनकी पत्नी नहीं थी? क्योंकि जिस वक्त अभय को छत से गिराया, वहां देवराज और अभय के अलावा कोई और भी था। आप दोनों? हाँ, उस दिन मैं और भास्कर सबसे छुपकर महल की छत पर मिलने गए थे। हमने जोर से कुछ गिरने की आवाज सुनी, हम दोनों दौड़ते हुए गए तो देखा देवराज जमीन पर बेहोश पड़े थे। जैसे ही हम उन्हें उठाने गए, वो औरत पीछे मुड़ी, वो अभय की माँ नहीं,
वृंदा थी। शमा और भास्कर उस दिन जो भी हुआ अंजलि और निखिल को विस्तार से बताने लगे। वृंदा, तुम पागल हो गई हो क्या? कितनी बेशरम हो तुम, एक नन्ही सी जान को तुमने फेंक दिया। शमा, तेरी इतनी जरूरत कि एक नौकरानी होते हुए मुझसे तेज आवाज में बात कर रही है? वृंदा जैसे ही अपने हाथ उठाती है शमा पर, भास्कर उसका हाथ पकड़ लेता है। अपनी मर्यादा मत भूलो वृंदा। अब तुम दोनों मुझे पाठ पढ़ाओगे, हम सब जानते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? देवराज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, देवराज को बताएगा कौन, तुम? हाँ। वृंदा की आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। वो अपने कमरे में रखे खंजर को निकालती है और भास्कर का सर धड़ से अलग कर देती है। जब तक शमा इस बात को समझ पाती, वृंदा उसके चेहरे पे खंजर चला देती है और उसका गला काट के छत से नीचे फेंक देती है और वहां से चली जाती है। आप दोनों उस दिन देवराज से छुपे क्यों? मैं देवराज का छोटा भाई भास्कर हूँ। देवराज को ये बात कभी मंजूर नहीं होती कि उनका छोटा भाई एक दासी से प्रेम करता है। मैं बरसों से देवराज के महल में दासी थी और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। देवराज भाई को लगता है अभय को उसकी माँ ने मारा है, पर यह सच नहीं। निखिल देवराज अपने बेटे की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसीलिए कठोर बन गए। पर ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? हमारे दोस्त देव का क्या कनेक्शन है? संबंध है, हम चाहते हैं तुम दोनों हमारी मदद करो। सिर्फ हम दोनों क्यों? अंजलि, ये इत्तेफाक नहीं है कि वृंदा तुम्हें दिखाई देती है और तुम्हें मारने की कोशिश करती है। ये इत्तेफाक नहीं है कि तुम रत्नागिरी की सीमा पार नहीं कर पा रही थी। तुम्हारा संबंध है इस गांव से और महल से। अंजलि, तुम्हें जाना होगा उस महल में और हम सब के लिए ये लड़ाई लड़नी होगी। इससे पहले अंजलि अपनी हामी भर पाती, निखिल बोल पड़ता है, आपने हम दोनों को देव की मदद करने के लिए नहीं, अपनी मदद करने के लिए बुलाया है। चलो यहाँ से अंजलि। तुम गलत समझ रहे हो, हमने तुम लोगों को देव की मदद करने के लिए ही बुलाया है। हम जानते हैं अपने प्यार को खो देने का मतलब क्या होता है अंजलि। हम नहीं चाहते इतिहास दोबारा जन्म ले। मतलब क्या है तुम्हारा शमा? देवराज का दूसरा जन्म देव है। अंजलि और निखिल को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। निखिल, देव के साथ रहते थे ना तुम, उसके सपनों में जो पुराना महल आता है वो देवराज का है। देव को सपने इसलिए आते थे क्योंकि रिश्ता है उसका उस महल से और इस गांव से। जाओ अंजलि, 17 दिन है, इससे पहले वृंदा देव का खून कर उसे देवराज बना दे। जाओ, बचा लो। देवराज की पत्नी का नाम क्या है? गीतांजलि।